सैमसंग ने M31S सीरीज़ के साथ अपनी S सीरीज़ को यहाँ पे लॉन्च कर दिया दोस्तों। जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा M31S के ऊपर क्या क्या खास दिया था, कैसे इसे M51 से अपग्रेडेड करके एक मिड रेंज में लाया गया है। सेम अभी बारी है A51S की और A71S की। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग अपने फ़ोनों को यहाँ पे अपग्रेड करता जा रहा है और एस सीरीज़ जो पहले डाउटेड थी कि आएगी या नहीं आएगी, अभी उस पर से पर्दा उठ चुका है। अगली बारी है A51S की। इस वीडियो में हम जानेंगे गीकबेंच में जो भी अपडेट यहाँ पे लीक्स हुई है, क्या क्या इस फ़ोन में आने वाला है और क्या A71S में खास आने वाला है, तो सभी चीज़ें हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। बट बेसिकली ये वीडियो हमारा A51S पे डेडिकेटेड रहेगा। A71S के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं क्या खास है A51S में। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मो गेम टेक में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन गेमिंग और टेक्नोलॉजी। आज का हमारा डिवाइस है A51S। जी हाँ, यदि सभी र्यूमर की बात माने या र्यूमर की तरफ ध्यान दिए तो ये समझ में आता है कि ये फ़ोन को सितंबर 2 को सैमसंग जो है इंडिया में लॉन्च कर सकता है। क्या खास है इस फ़ोन में, क्यों इसके बारे में इतनी हाइप है और क्यों ये कंफर्म है कि सैमसंग A51S जो कि एक 5G मॉडल हो सकता है वो आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ हमें लीक हुई है वो है गीकबेंच का स्कोर। जी हाँ दर्शकों, SM A516V नाम से ये गीकबेंच पे आया है, ये लिस्टेड हुआ है, जो कि लिटो नाम के मदरबोर्ड के साथ यहाँ पे लिस्ट हुआ है। आपको बता दूं दर्शकों, लिटो जो है वो स्नैपड्रैगन 765G का निकनेम है और जो अच्छी बात ये है कि वो 1.8 GHz बेस फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे लिस्ट हुआ है, जिसका 6GB का एक रैम वेरिएंट यहाँ पे आया है, 128GB का इसका एक रोम वेरिएंट यहाँ पे दिख रहा है। यदि हम इसके सिंगल स्कोर की बात करें तो 622 पॉइंट का इसका सिंगल स्कोर टेस्ट आता है और यदि मल्टी स्कोर टेस्ट यदि हम देखते हैं तो 1928 आता है, जो तकरीबन OnePlus Nord के पास में है। अभी जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ यहाँ पे ये है दोस्तों कि पिछले साल A51 लॉन्च हुआ था, उसका एक मॉडल 5G वाला भी था जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। बट अभी आप जैसे देख रहे हैं कि A51 जो था उसमें प्रोसेसर भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, सैमसंग का अपना जाइनोस का प्रोसेसर 9611 जो कि बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस के साथ आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप देख रहे हैं सैमसंग भी गियर अप कर रहा है अपने डिवाइस को हाई अपग्रेडेड करने की, तो 765G के साथ ही बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ हो सकती है A51S की। तो चलिए दोस्तों अभी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम कि क्या क्या इस फ़ोन में मिलने वाला है और क्या क्या इस फ़ोन में खास है। दोस्तों खास आपके लिए मैंने एक वीडियो स्टैम्प का यहाँ पे ऑप्शन दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मेरे वीडियो के कोई भी कंटेंट पे जैसे इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर प्राइस या कुछ भी आपको चेक करना है आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट उस सेक्शन में जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि प्रोसेसर की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1.8 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ ये लिस्ट हुआ है गीकबेंच पे, बट सैमसंग इसे 2.4 GHz के साथ यहाँ लॉन्च करेगा जो कि क्रायो 475 प्राइम के साथ आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ एड्रिनो 620 GPU का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जो आपकी मल्टीटास्किंग और आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करेंगे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यदि इसके हम डिस्प्ले की तरफ जाए तो 6.5 इंच का फुल HD वाइड स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले आने वाला है, जो कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ यहाँ पे फ्लॉन्ट होगा। जी हाँ दर्शकों, ये सेम टू सेम रहेगा A51 जैसा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एस सीरीज़ जो होती है वो हमेशा अपने वन जो अपग्रेडेड वर्जन है उससे चीज़ें अडेप्ट करती है। जैसे कि यदि आप M31S को देखेंगे तो इसने बहुत सारी चीज़ें A51 से ली है, तो अभी हम ये कयास लगा सकते हैं कि A51S जो है बहुत सारी चीज़ें मॉड्यूल इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले बैटरी सब चीज़ें A71 से लेगा। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि इसका जो डिस्प्ले बहुत ही शार्प है, 405 PPI के साथ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपको विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पे देगा। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो देखते हैं तो 20:9 है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस फ़ोन में कंफर्म इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा जो कि फेस अनलॉकिंग के साथ आपको फेस अनलॉक का फीचर देगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 या 5 होने वाला है, ये अभी कंफर्म नहीं है, बट यदि अपग्रेडेड आता है तो 5 या 6 यहाँ पर सैमसंग दे सकता है। अच्छी बात यदि हम देखते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में तो दर्शकों, कैमरा डिपार्टमेंट सेम एल शेप में आने वाला है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा और 2 5-5 MP के कैमरा रहेंगे, जिसमें एक मैक्रो हो सकता है और एक डेप्थ सेंसर विथ ऑटो फोकस रहेगा। बहुत ही अच्छा सेटअप है, सेम सेटअप आपको A51 में मिला है, लेकिन यहाँ पे जो अच्छी और जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपके सामने आ सकती है वो ये है कि इसमें सैमसंग जो है अपने अपेरेचर के साथ थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लाएगा। जैसे कि सैमसंग हमेशा वाइड
अपेरेचर के देता है। जो 48 मेगापिक्सल है वो 2.0 के साथ यहाँ पे आने वाला है। सभी 2.2, 2.4 और 2.2 अपेरेचर के साथ यहाँ पे इसके लेंस आने वाले हैं। तो आपको फोटोग्राफी में बहुत ही कमाल का इफेक्ट मिलेगा। जितना बड़ा लेंस उतनी अच्छी लो फोटोग्राफी इमेज होती है, लो लाइट फोटोग्राफी इमेज, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। यदि दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो सैमसंग ने सेम 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल वाला फिर अपेरेचर 2.2 के साथ ये कैमरा दिया है, जो कि सोनी का IMX 686 हो सकता है। बट मुझे लगता है सैमसंग अपने ISO सेल कैमरे के साथ जाएगा। बट मैं आशा करता हूँ कि यदि सोनी का यूज़ करता है तो बहुत ही ज़्यादा नया एक फीचर होगा जो सैमसंग अपने ए सीरीज़ में यहाँ पर डेडिकेटेड देगा। और दोस्तों जो मुझे सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ यहाँ पे समझ में आई है वो ये है कि सैमसंग अपने इस कैमरे के साथ 8K तक रिकॉर्डिंग को सपोर्ट दे सकता है। जी हाँ, और सामने वाला जो कैमरा रहेगा वो भी 4K तक रिकॉर्डिंग के लिए कैपेबल रहेगा। वाइड एंगल के साथ आने वाला है तो आपकी जो सेल्फी रहने वाली है बहुत ही अलग एक लेवल में जाने वाली है। यदि हम बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो सैमसंग का ये 4500mAh की बैटरी के साथ आने वाला है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, फास्ट चार्जिंग, वो भी फास्ट चार्जिंग 30W की यहाँ पे सैमसंग इस फोन के साथ दे सकता है। अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ पे NFC के सर्टिफिकेट भी मिले, तो ये फोन NFC की वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्टेड है, तो NFC सपोर्ट के साथ ये फोन आने वाला है, जो कि बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज यहाँ पे हो सकती है। बाकी कुछ चीजें जो मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग लगी वो ये है कि इसमें जो हाइब्रिड सिम स्लॉट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दो नैनो सिम रहने वाली बट प्लस नैनो प्लस हाइब्रिड रहने वाला है, तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड की सहायता से अपना स्टोरेज भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और जो मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर सैमसंग के बारे में हमेशा लगता है वो ये है कि इन्होंने 3.5mm जैक को डिच नहीं किया है। अभी तक जो भी रिपोर्ट सामने आई Geekbench में उसमें ये दिख रहा है, साथ ही साथ HDR10 का सपोर्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। तो 3.5mm जैक आपको मिल रहा है, आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रहा है, और आपको यहाँ पे NFC के साथ साथ HDR10 सपोर्ट मिल रहा है। और क्या चाहते हैं दोस्तों आप, मतलब सैमसंग। और जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ वो ये है कि ये फ़ोन 29,000 के आसपास यहाँ लिस्ट होगा, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव फैक्टर हो सकता है OnePlus Nord के लिए भी, क्योंकि इसका जो सिंगल स्कोर है OnePlus Nord से ज़्यादा है। यदि हम इसका सिंगल कोर का जो Geekbench पे स्कोर देख रहे हैं, और मल्टी कोर थोड़ा सा आसपास है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस के टर्म में भी OnePlus Nord को पीछे कर देगा। तो जो भी दर्शक मेरे यहाँ पे OnePlus Nord नहीं ले पाए हैं या सोच रहे हैं कि कौन सा नया फ़ोन लेना है, तो वो A51S के लिए वेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ चीज़ें A71S के बारे में भी मैं आपको बता दूं। मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि Geekbench पे ये भी लिस्ट हुआ है, और ये जो मॉडल है वो A716V के नाम से Geekbench पे लॉन्च हुआ है। मैं आपके साथ Geekbench का यहाँ पर रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ। कैमरा सेटअप की बात करें तो ये फ़ोन जो है वो बहुत ही फार अवे है इन टर्म्स ऑफ A51, बिकॉज यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें यूनिक है, बट मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा, क्योंकि अभी ये लीक कंफर्म नहीं है। बट A51 के बारे में जो लीक कंफर्म है, मैंने ये आपको वीडियो बनाया। आशा करता हूँ आपको मेरी सभी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।